हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड लाइकिंग माय वीडियोस। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट फॉर सम रीजन आई एम चेंजिंग द नेम ऑफ माय चैनल, सो आई नीड अ बिट हेल्प फ्रॉम यू। सो प्लीज गाइस सजेस्ट मी सम गुड नेम्स। एडा सरकान से पूछती, मेरे पेरेंट्स की डेथ क्या मतलब इस बात का? सेलिन एडा से सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो। सरकान सेलिन से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, और वो जाने भी लगती है, लेकिन एडा कहती है तुम नहीं जा सकती। और फिर पूछती है, किस सीक्रेट और झूठ के बारे में बात कर रही हो तुम? सरकान कहता है, सेलिन को जाने दो, मैं तुम्हें खुद सब बता दूंगा। एडा कहती है, नहीं सेलिन, तुम बताओ क्या जानती हो तुम मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में। सेलिन एडा से कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो वो सही नहीं रहेगा। एडा परेशान होकर कहती है, तुम लोग क्या जानते हो मेरे पेरेंट्स की डेथ के बारे में, जो मुझे नहीं बता रहे, क्या छुपा रहे हो मुझसे, बताओ सेलिन। एडा की बातें सुनकर सेलिन उसे देखने लगती है और कहती है, सॉरी मैं नहीं बता सकती, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। सरकान एडा के पास जाता है और उसे कहता है, सुनो। एडा कहती है, मेरे पास मत आना। सरकान कहता है, मुझे बताने तो दो, और बताता है, 18 साल पहले जिस एक्सीडेंट में तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, वो एक कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी की वजह से हुआ था, जिसके साथ मेरे डैड काम करते थे। ये सुनकर एडा रोने लगती है और कहती है, तुम्हारे डैड? सरकान कहता है, हाँ। और उसे बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एडा रोती हुई उस पर गुस्सा करके पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे क्यों छुपाया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सरकान? सरकान कहता है, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, और बताता है वो 18 साल पहले बहुत बिजी रहते थे, इसलिए उन्होंने वो प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, और उसने खराब सामान यूज किया था। ये सुनकर एडा बहुत रोने लगती है। सरकान अपनी बात कंटिन्यू करता और बताता है कि मेरे डैड ने भी मुझे कुछ टाइम पहले ही बताया है। ये सुनकर एडा कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये सब एक गेम था, मेरे क्लोज आना और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और कहती है, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मुझ पर कितना टॉर्चर किया। सरकान कहता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम सफर करो। एडा कहती है, उस दर्द का क्या जो मैं अब महसूस कर रही हूँ, इससे तो अच्छा होता कि तुम मेरा दिल निकाल लेते। सरकान उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और मैंने तुम्हें हर्ट करने से बेहतर तुम्हें खो देने का रिस्क लिया। सरकान की बात सुनकर एडा उससे कहती है कि मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना, और ये सुनकर सरकान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये बोलकर वहां से रोती हुई चली जाती है। और बाहर आकर सरकान की मॉम को कॉल करती है और पूछती है कि आपके हस्बैंड घर पर है? वो कहती है, हाँ है। एडा कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। सरकान की मॉम उसके डैड को बताती है कि एडा की आवाज से लग रहा था वो बहुत सीरियस है, और उसने मुझसे कोई बात नहीं करी, बस डायरेक्ट तुम्हारे बारे में पूछा। सरकान के डैड पूछते हैं, कहीं उसे सब सच पता तो नहीं चल गया? और कहते हैं, रुको मैं सरकान से पूछता हूँ। सरकान की मॉम उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको मैं पूछती हूँ। सरकान को कॉल करके बताती है कि एडा ने कॉल की थी, तुम्हारे डैड के बारे में पूछ रही थी, और कह रही थी मैं आ रही हूँ, क्या सब ठीक है? अपनी मॉम की बातें सुनकर सरकान कहता है, ठीक है मैं भी वहीं आ रहा हूँ। एफए मिसेस सेमिहा को कॉल करता है और पूछता है, आप कैसी हो? और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ से मिसेस सेमिहा उसे कुछ करने के लिए बोलती है। एफए कहता है, ठीक है मैं सब मैनेज कर लूंगा, लेकिन वो ना ही आपसे बात करना चाहती है और ना ही आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आप मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। एडा सरकान के डैड पर गुस्सा करती है और कहती है, किस तरह के इंसान हो आप, आपने मुझसे सब क्यों छुपाया? सरकान के डैड कहते हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ, और तुम मुझे माफ नहीं कर सकती उसके लिए जो मैंने करा है। एडा उनसे कहती है कि मुझे सारी डिटेल्स जाननी है उस दिन की, कि उस दिन क्या हुआ था, वो आदमी कौन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और आपको मुझे सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सरकान के डैड कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सरकान अपने घर आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि एडा कहाँ है। वो बताती है, अंदर है तुम्हारे डैड के साथ, और पूछती है, क्या तुमने उसे सब बता दिया? सरकान कहता है, हाँ। और ये बोलकर अंदर जाने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है, अंदर मत जाओ, एडा को तुम्हारे डैड से बात करने दो, और उन्हें इस बात से खुद डील करने दो, क्योंकि तुम अपने डैड की गलतियों के जिम्मेदार नहीं हो। सरकान के डैड एडा को एक फोल्डर देते हुए कहते हैं कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और एडा उनसे वो फोल्डर लेकर देखती है, और उसमें उसकी फैमिली के साथ पिक्स होती है और सब चेक करने लगती है। सरकान के डैड एडा को बताते हैं कि मैंने उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुमने अपना सरनेम चेंज कर लिया था, और इसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। एडा उन पर चिल्लाकर कहती है कि आपने मेरा बचपन और मेरी जिंदगी खराब कर दी, आपको कुछ समझ आ रहा है? सरकान बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। सरकान के डैड एडा से कहते हैं कि सरकान का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उस टाइम एक छोटा बच्चा था, उसका बस यही कसूर है कि वो मेरा बेटा है। एडा कहती है कि मुझे आपसे सरकान के बारे में कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर सरकान के डैड उससे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। ये सुनकर एडा कहती है कि आपको अब ख्याल आ रहा है, जब से आप कहाँ थे आपने मुझसे सच छुपा रखा था, और अब आपके माफी मांगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये बोलकर एडा वहाँ से बाहर आती है और सरकान उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मुझे एक मिनट दे सकती हो? एडा कहती है, उसमें क्या हो जाएगा? सरकान कहता है, मैं जानता हूँ कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना फर्स्ट डे करता था, और मेरे पास बस तुम हो, और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी गलतियों का बोझ नहीं डालना चाहता था।
एडा उससे कहती है लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फोल्डर दिखाते हुए कहती है जिस आदमी का नाम यहाँ लिखा है वो इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल है, और तुम्हें पता है तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हो और मेरी तरफ से तुमने डिसीजन भी ले लिया। सरकान कहता है मैं डर गया था ये सोच करके तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और मैंने तुमसे बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एडा कहती है अगर तुम मुझे सब सच बता देते तो मैं तुम्हें माफ भी कर देती और हम दोनों मिलकर इन सब से डील भी कर लेते, लेकिन तुमने मुझे जब बताया जब सच बाहर आने लगा था। सरकान कहता है नहीं मैं तुम्हें बताना तो चाहता था। एडा उससे कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है और मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने मुझे धोखा दिया या मुझसे सच छुपाया हो। सरकान कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे इस फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा तुमसे सच बोला है। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर कार में बैठकर अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके उनसे पूछती है कि हम कहीं बाहर जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं ठीक है और पूछती हैं कब चलना है। एडा कहती है बस अभी कुछ चीजें लेकर अपना सामान पैक करो और चलो, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है जिससे मैं थोड़ा अपने सेंसेस में वापस आ सकूं। फिर पूछती है अगर तुम्हारी आंटी ने कुछ पूछा तो। एडा उनसे कहती है कि उन्हें मत बताना कि मैं अपसेट हूँ, ये बोलना कि हम रेस्ट करने जा रहे हैं। मैलो कहती है ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वैसा ही होगा। फीफी कहती है मेरे घर चलते हैं वहाँ कोई नहीं रहता और वहाँ बॉनफायर भी है। एडा कहती है ठीक है और कहती है तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बाद में मैलो फीफी और जेरन से कहती है मुझे कुछ सोचकर आंटी से बात करनी होगी जिससे उन्हें शक ना हो। जेरन कहती है मैलो तुम उन्हें कुछ मत बताना क्योंकि वो फीफी से बहुत प्यार करती हैं और ये खुद उन्हें बता देगी। सरकान अपने घर में चुप बैठा हुआ था, उसकी मॉम वहाँ आती और कहती है एडा को कुछ टाइम अकेले रहने दो जिससे वो कुछ सोच सके और तुम्हें भी समझ सके, उसे थोड़ा टाइम दो वो भी तुमसे प्यार करती है और समझ जाएगी वक्त के साथ और सब ठीक हो जाएगा। सरकान उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता वो मेरे ऊपर यकीन करेगी। सरकान की मॉम कहती है यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। एडा की फ्रेंड्स उसके आंटी को कन्विंस करती है वेकेशन पे जाने के लिए और एडा की आंटी कहती है जरूर सरकान की वजह से ही कुछ हुआ है जो तुम लोग मुझे नहीं बता रहे। ये सुनकर मैलो उनसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एडा भी उनसे कहती है मुझे अब अच्छे से यकीन हो गया है कि सरकान मेरे लिए सही नहीं है और अपना सामान लेकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सरकान के डैड उसकी मॉम से कहते हैं मुझे कुछ बताओ मैं ये सब ठीक करना चाहता हूँ। सरकान वहाँ आता हुआ उनकी बात सुन लेता और कहता है आप हमारी लाइफ से चले जाइए। सरकान की मॉम उसे रोकती है। सरकान कहता है मॉम इंटरफेयर मत कीजिए। सरकान अपने डैड से कहता है इतने सालों से आपने नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे एडा को और अब बस बहुत हो गया। सरकान के डैड कहते हैं मैं जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा हो लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सरकान कहता है कब मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा कि कभी तो आप मेरे डैड बन जाओगे। उसकी मॉम कहती है तुम आराम से बात करो, तुम अपने डैड से बात कर रहे हो। सरकान अपनी मॉम की बात सुनकर सरकान कहता है कौन सा डैड, मॉम इतने सालों से कहाँ थे जब हमें इनकी जरूरत थी, ना ही हमारे अच्छे टाइम में हमारे साथ थे और ना ही बुरे टाइम में। सरकान के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ मैंने एडा के साथ बहुत बुरा किया है और मैं उसे समझा दूंगा। सरकान अपने डैड पर गुस्सा करता हुआ कहता है उसका नाम भी मत लेना आप क्योंकि उसके एक भी आंसू के काबिल नहीं हो आप और मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहता, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सेलिन सरकान के घर आती है और पूछती है क्या चल रहा है। सरकान कहता है क्या मतलब है इस बात का, और कहता है तुम्हें पूछकर मेरे घर आना चाहिए था। सेलिन कहती है मैं बस। सरकान कहता है क्या बस, तुम्हें उन मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिनसे तुम्हारा कोई मतलब ना हो और तुम मेरे घर ऐसे नहीं आ सकती। सेलिन कहती है मैं बस इसीलिए आई हूँ क्योंकि तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे ना। सरकान कहता है क्योंकि मुझे नहीं देनी थी, और फिर सेलिन सरकान से कहती है कि कंपनी के हर मैटर से मेरा लेना देना है। सरकान कहता है मेरे सामने गेम खेलना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। सेलिन कहती है झूठ पर रिश्ते नहीं चलते और जैसे तुम एडा को ट्रीट करते हो अगर तुमने उसका 1% भी मुझे किया होता ना तो आज बात कुछ और ही होती। सेलिन की बात सुनकर सरकान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी इसी बारे में सोच रही हो, और मैं आज तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मैं एडा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता और ना ही मैंने कभी तुमसे किया है। ये बोलकर सरकान वहाँ से चला जाता है और सेलिन खड़े होकर रोने लगती है। एडा की आंटी सरकान की मॉम से मिलने आती है। सरकान की मॉम कहती है आपने मुझे सरप्राइज कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम यहाँ होगी, लेकिन आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गई। एडा की आंटी पूछती है क्या मतलब क्या हुआ। सरकान की मॉम कहती है कि आपने माफ कर दिया। एडा की आंटी हैरान होकर पूछती है सरकान को। सरकान की मॉम कहती है नहीं उसके डैड को। एडा की आंटी कहती है लेकिन मैं उन्हें क्यों माफ करूंगी। ये सुनकर सरकान की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है लगता है जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं किसी और बारे में बात कर रही हूँ और आप किसी और बारे में। एडा की आंटी उन्हें बताती है कि एडा अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकान और उसके बीच कुछ हुआ है जो वो मुझे नहीं बता रही। ये सुनकर सरकान की मॉम कहती है अच्छा मेरी समझ आया, और बहाना बनाते हुए कहती है कि सरकान के डैड ने मेरे ऊपर चीट किया था ना इसीलिए मैं आपको उनको माफ करने के लिए बोल रही थी। सरकान की मॉम की बात सुनकर एडा की आंटी हैरान होकर पूछती है क्या सच में। सरकान की मॉम कहती है हाँ लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है।
एडा सी साइड बैठी होती है और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है और उसकी फ्रेंड्स वहाँ उसके पास आती हैं और मेला उससे पूछती है कि मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो लेकिन किस वजह से। एडा उसे बताती है कि बचपन के उस हादसे के बाद से मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं अकेले रहना सीख गई थी और ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अब दोबारा उसी हादसे की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मेलो उससे पूछती है कि तुम सरकान के बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर फीफी कहती है कि उसकी गलती है, उसे तुम्हें सब सच बता देना चाहिए था। जेरेन ये सुनकर कहती है क्या पता वो यही बताने की कोशिश कर रहा था तुमसे। एडा कहती है मुझे नहीं पता लेकिन उसने ये सब तब बताया जब सच खुद बाहर आने लगा था और मैं जानती हूँ इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ उसके लिए। सरकान के डैड उसकी मॉम के पास आते और वो उनसे पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो अल्पटेकिन। वो कहते हैं हाँ सरकान सही बोल रहा था, मैंने आज तक तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया बस नुकसान ही पहुंचाया है और मेरे और तुम लोगों के लिए यही अच्छा है कि मैं कुछ टाइम यहाँ से दूर चला जाऊँ। उनकी बातें सुनने के बाद सरकान की मॉम कहती है मैं जानती हूँ हमारे कोई ज्यादा अच्छे मोमेंट्स नहीं है एक साथ और सरकान शायद अपनी जगह सही भी है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ और हमारी फैमिली टूट जाए। सरकान के डैड उनसे कहते हैं शायद हम बस दिखावा कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली का और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बहुत दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, एक तरफ एडा अपनी फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी अकेली उदास और खामोश होती है और वहीं दूसरी तरफ सरकान भी बहुत अकेला और खामोश उदास सा रहने लगता है और ऑफिस भी जाना छोड़ देता है। वेकेशन से वापस आने के बाद एडा लैला को कॉल करके पूछती है सरकान ऑफिस आया है क्या, लैला उसे मना कर देती है। एडा लैला से कहती है कि सरकान को बोलो ऑफिस आए, मैं भी ऑफिस आ रही हूँ। लैला जाकर ये बात पिरल को बताती है और पिरल सरकान की मॉम को कॉल करके बताती है कि सरकान ऑफिस आ रहा है और एडा भी। ये सुनकर सरकान की मॉम सीफी से कहती है हमें उन दोनों को एक करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सरकान ऑफिस आता है और एडा भी उसके पीछे ऑफिस आती है और सरकान के पास जाकर उसको एक फोल्डर देती है। सरकान पूछता है क्या है इसमें, एडा कहती है कॉन्ट्रैक्ट मेरे रूल्स मेरी कंडीशंस और पनिशमेंट के साथ। सरकान उससे पूछता है रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, एडा कहती है सोचना भी मत इस बारे में, ये बस इसीलिए कि हम दोनों इंसानों की तरह बिहेव कर सके और सुकून से एक जगह रह सके। सरकान उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है, एडा कहती है बिना पढ़े साइन करो और फिर सरकान वो साइन कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एडा उसे बताती है जब मैं तुमसे दूर थी तो मैंने बहुत सोचा। सरकान कहता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। एडा कहती है अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से हम बस कोलीग्स हैं और मैं अपना काम यही कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ जो यहाँ से भाग जाऊंगी। और रिंग उतार के कहती है अपनी रिंग उतारो, मेरा नाम लिखा है उसके अंदर और मैं नहीं चाहती तुम उसे पहनो, और दोनों अपनी रिंग्स उतार कर वहीं रख देते हैं। एफे एडा से पूछता है तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। ये सुनकर एडा कहती है वापस तो आ गई ना क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। एफे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे तुम्हारी जरूरत भी थी। एडा कहती है मैं यहाँ वापस आ गई हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। एफे कहता है मेरे लिए यही बहुत है कि तुम वापस आ गई हो, और उसे बताता है कि मैं इटली वापस जा रहा हूँ मुझे वहाँ कुछ काम है और मेरे वापस जाने के बाद यहाँ मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अटेंड करो। एडा कहती है ठीक है। सरकान लैला से कहता है तुम एडा के क्लोज हो और मैं चाहता हूँ तुम एडा के ऊपर नजर रखो और उसके हर मूव की खबर मुझे दो। ये सुनकर लैला कहती है कि मैं एडा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सरकान कहता है मैं जानता हूँ तुम एडा से बहुत प्यार करती हो लेकिन ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लैला सरकान से पूछती है क्या तुम अब भी एडा से प्यार करते हो। सरकान कहता है अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो तुम्हें ये सब करने के लिए क्यों बोलता। ये बात सुनकर लैला खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सेलिन सरकान के कैबिन में आती है और वहाँ दोनों के रिंग्स रखी हुई देखती है और देख के वहाँ से चली जाती है और अपने कैबिन में जाकर न्यूज रिपोर्टर को बताती है कि एडा और सरकान का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर रिपोर्टर कहती है तो ब्रेकिंग न्यूज है और पूछती है उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे। सेलिन कहती है पता नहीं और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें।